मानव की देह तो प्राप्त कर ली है, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है, एक सांचा बना लो, उसमें ढाल लो, सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते, ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो। शंकर जी बोले, हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा, पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, और गर्भ से निकल कर मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता, भगवान कहते मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने बनाया सांचा था, मैंने सोचा था कि अब इसके जैसा सारा संसार बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ये नीचे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा, भेजा था भजन के लिए लग जाएगा भोजन में, भेजना था सत्संग में पहुंच गया सिनेमा में। कितनी कृपा करिए मेरे दयालु ने, कितनी दया करिए, हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, गुरुजी फिर ये पेड़ भी तो उसी ने दिया है, तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया, तो गुरुजी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस व्यासपीठ से हमने कभी मना करी कि तुम काम मत करो, बोलो री जी जी, कभी बोला, हमेशा एक बात बोली है, कर्म करते रहो, कर्म में अग्रण्य रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में अग्रण्य रहो। जब कर्म में मेहनत में आगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो ये निश्चित था कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। गुरुजी अगर मेहनत करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भराया तो, मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेट नहीं भराया तो, भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, अगर तेरे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया है तो मरते तक भी तेरे प्राण छूटने पर भी अग्नि में दूंगा। क्यों चिंता करता है, चिंता क्यों करता है। कोरोना महामारी के समय पर सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और वो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर भी अगर किसी मरीज को देख रहे थे तो पूरी सेफ्टी के साथ देख रहे थे, बोलो सही है कि गलत है। पर उन डॉक्टरों के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके साथ में जो छोटे छोटे लोग, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं, स्वीपर हैं, सफाई करने वाले हैं, जिनको भगवान श्री हरि ने अपना बनाकर रखा है, जिनको अपना बनाकर रखा है, ऐसे भगवान श्री हरि के जो स्वरूपवान हैं, ऐसे छोटे छोटे जिनको हम लोग नकार देते हैं, जिनको हम कह देते हैं हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, ये शूद्र हैं, उस जगह पर अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे थे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, वो इतना नहीं डर रहे थे, घर का बेटा अंतिम संस्कार करने नहीं आया तो मेरा नारायण उनका रूप रखकर आया और वो अंतिम संस्कार कर गया, इसलिए उनको हरि के जन कहते हैं।
जो परमात्मा का स्वरूप है। और आज के जमाने में हम उनको नकार देते हैं। आज के जमाने में हम कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। हमने भेदभाव की भावना उत्पन्न कर ली है, पर हमारा सनातन धर्म कभी भेदभाव नहीं देता। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि ये बड़ा है कि वो छोटा है। हमारा सनातन धर्म कहता है ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ये कहकर नहीं भेजा कि तुम ये बनोगे कि वो बनोगे। परमात्मा ने तो केवल अपना एक मानव का शरीर दिया था, सनातन धर्म में जन्म दिया था, सनातनी बनाकर पैदा करा था। और उस परमात्मा ने कहा था कि जिस समय पर जिस पल जो जरूरत पड़े उस समय पर वो कर्म कर ले। जैसे आपके और हमारे बीवी बच्चे हैं, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? वो भी तो संभालते थे, वो भी तो शमशान तक लेकर जाते थे, वो भी तो एम्बुलेंस चलाते थे। पूरा पुलिस वर्ग, पूरा प्रशासन कोरोना महामारी में आप सब अपने घर में थे और पूरे पुलिस कर्मचारी रोड पर 24 घंटे खड़े रहते थे। क्या उनका परिवार नहीं होता था? क्या उनका घर नहीं होता था? जरा विचार करिए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? हमने नकार दिया हर एक व्यक्ति को। हमने केवल ये सोचा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, मैं और मेरा। पर शिव महापुराण की कथा करिए, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को काट रहा है, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को नोच रहा है। सबसे बड़ा सुख है हमारी एकता में, सबसे बड़ा आनंद है हमारी एकजुटता, हमारा संगठन, हमारी एकजुटता, हमारा संगठन। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हो, ये आपका संगठन ये दिखाता है। और एक बात और कहना चाहूंगा, आज इस व्यासपीठ से जब आप इतनी संख्या में आए हो तो रायपुर के कई लोग तो अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, तो भी आधी रात को आके 10 बजे के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी पे लाकर देख रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा। मुझे तो मालूम नहीं था रात्रि के समय वो विकास उपाध्याय जी के यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो बाबा के मंदिर का दर्शन करने के लिए हम गए थे। तो वहां से आते आते हमारा एक नियम है, 7 दिन की कथा में 1 दिन हम जो लोग ठहरते हैं उनसे मिलने जाते हैं। अब 5 दिन की कथा में कल कई दिन था, हमने बसंत जी से कहा जरा चलिए, और आए मिले, तब मालूम पड़ा कि पूरी रोड पर जितने दिन में है उतने रात को 11 बजे तक। और क्या सेवादार सेवा दे रहे थे, ना जाने कौन कौन सी संस्थाओं के नाम बोलूं, मैं गाड़ी में तो पढ़ भी नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे मंदिर वाले, ऐसी ऐसी समितियां, कोई पोहा बांट रही है, कोई खिचड़ी बांट रही है, कोई चाय बांट रही है, कोई समोसा बांट रही है, कोई कचौड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चाय, पूरी संस्था वो रोड से लेके यहाँ रोड तक सब दूर, और लोग इतने प्रेम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से आनंद ले रहे हैं, शायद रायपुर के इतिहास में यह नजारा फिर नहीं देखने को मिल सकता शायद। ये नजारा देखने को नहीं मिल सकता जो देख लिया। ये आपकी एकता में जो आनंद दिखाया है, आपके स्वरूप ने जो आनंद दिखाया है, तो लोगों को भी हृदय में उमंग उत्पन्न हुई कि हम भी चल के देखें आखिर शिव पुराण में है क्या। जो नी भी जाते थे वो भी एक नजारा देखने के लिए, भले कुछ नहीं, अपनी अपनी छतों पर लोगों ने टेंट लगवा लिए और टेंट लगा लगा के, कुर्सी लगा लगा कर नजारा देखा, कथा श्रवण करी, भक्ति का भले थोड़ी सी कथा उनके कानों तक पहुंची, पर पहुंची तो सही। इसमें जीवन की सार्थकता है, इसमें आनंदता है, और इसी को आनंद कहते हैं।
सुख और आनंद में क्या अंतर? बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियों और जितने जीजा बैठे, सुख और आनंद में क्या अंतर हो सकता है? शिव महापुराण कहती है सुख केवल तुम भोगते हो, सुख केवल तुम्हारा परिवार भोगता है और आनंद पूरा समाज और पूरा गांव भोगता है, उसको आनंद कहते हैं। बसंत कुमार जी ये कथा को छोटे रूप में भी करा सकते थे, कह सकते थे गुरुजी हम कथा करवाएंगे तो हम हमारे हॉल में सुनेंगे, हमारे घर में सुनेंगे, तो वो सुख था, वो केवल सुख था कि स्वयं के लिए जो लिया गया, स्वयं की गाड़ी, स्वयं का आनंद, स्वयं का सुख, वो सुख है। पर आनंद किसको कहा गया? नहीं, अगर कथा हो रही है तो पूरा जितना भी रायपुर का लोग है और आसपास का लोग है वो आए और इस कथा का आनंद लेकर जाए। जब आनंद लेकर जाएगा तो ये निश्चित है एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अलाउंस होता रहता है। क्या बोलते हैं, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निशुल्क पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग, बोलो बोलो जन के, हो जाएगा। तो जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा हुआ है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से, अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का रस तत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे रोड पर बैठ के सुने, चाहे कहीं एक और बैठकर सुने, चाहे बिल्डिंगों पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में सुने, चाहे आस्था चैनल, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला, क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको? ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र बताएगा कि क्या दिया तुमको शिवजी ने, क्या प्रदान करा तुमको। इतनी लंबी कथा में हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाते, जो पत्र सामने आता है उसको पढ़ लिया, रख दिया, बहुत सारे पत्र हैं। एक नहीं, संतान जिनकी हुई है उनके कम से कम 50-100 पत्र आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी आराम लग जाता है उनके भी 100 पत्र आ जाते हैं, छोटा मोटा पत्र पढ़ते हैं, बाकी के सारे पत्र नियम है, इन पत्रों को हम लेकर नहीं जाते, इन पत्रों को पीछे ढेर लगा होगा या पीछे ढेर लगा होगा पत्रों का, सब पत्र आपके गांव के लोगों के लिए, आपके लिए छोड़ कर जाते हैं। और इन पत्रों को एक बार जब भी मौका मिले, मेरा निवेदन है उन पत्रों को जरूर पढ़ना और उनको फैलाकर उनका फोटो भी भले तुम खींच लेना, इन पत्रों में जितने भी पत्र हैं सब पत्रों में जो आपको बाबा ने दिया है उसका व्याख्यान वर्णन आपने इन पत्रों में किया है। निवेदन करते हैं ना, हमको चमत्कार करना आता है, ना हमको मंत्र साधना आती है, ना हमारे पास में कोई बेल ना बहू थी, हमारे पास तो केवल एक ही है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, वो भी हमें दूसरे के हाथ का नहीं, स्वयं चढ़ाई, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराएगा, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराएगा, स्वयं भजन करेंगे, भजन का बल भी स्वयं प्राप्त होगा। अपने लिए करो, अपने लिए। कोई दूसरा नहीं देगा। महाराज खूब
आनंद के साथ में सुख में और आनंद में अंतर है। सुख खुद के लिए भोगा जाता है और आनंद सबके बीच में लिया जाता है। जैसे यीशु महापुराण की कथा, यह आनंद का विषय है, आनंद का विषय। जब एक बूढ़ा बाप, जब एक बूढ़ा पिता वसीयत लिखता है ना, जब एक बूढ़ा बाप वसीयत लिखता है, सबको लिख देता है, बस एक को नहीं लिख पाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, बूढ़ा बाप सबको वसीयत में सब समान लिख कर दे देता है, पर वो बूढ़ा बाप एक को कुछ नहीं दे पाता है। और वो किसको? अपने आप। कमा कमा कर मर गया, जब खाने की उम्र थी तब कमाने में लगा हुआ था, और अब जब आराम की उम्र आई है कि थोड़ा बहुत खा लूंगा, तो बीपी और शुगर ने ऐसा डामाडोल करके रखा है कि एक लड्डू भी नहीं खा सकता। शादी में जाता है केवल लिफाफा देकर आ जाता है, नहीं खा पाता। ये जीवन मेरा, जितने नवयुवक बेटा बेटी बैठे हैं यहां, जितनी बहुएं बैठी हुई हैं, भले दूसरी कथाओं में बुजुर्ग लोग जाते होंगे, बूढ़े लोग जाते होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति कथा श्रवण करने आता है। यहाँ नव युवक बेटा बेटियां, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, यहाँ बेटा बेटियां भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा उनसे एक ही कहना है, तुम मेहनत करो, कर्म करो, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, तुम घर संभालो, परिवार संभालो, और उसके साथ अपने जीवन की खुशियों को मारना नहीं, अपने जीवन की खुशियों को अलमस्त जियो। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, हौरी कौन पहने, का करेंगे। अब बुढ़ापे में भी कहते हैं कौन देख रहा हूं, तो जैसा पहन लो। जय जोहार। जय जोहार। अब जैसा मिला है कहा करेंगे। बुढ़ापे में एडजस्ट करना पड़ता, बहू ने रोटी ला कर दी, सब्जी ला कर दी, अभी तक जब तक तुम युवान अवस्था में हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बनाते हो, अवस्था तुम्हारी गई, अब जो वो बनाएगी कौन? चंद्र घंटा, जो वो बनाएगी वो तुमको खाना। वो अच्छा बनाए, बेकार बनाए, जैसा बनाए, और तुम भले वो में नमक होए, चाहे नियो मिर्ची होए, चाहे नियो, पर तुमको तारीफ करके बहुत अच्छी बनी। दिवाली पे उसमें गुलाब जामुन बनाई, और मालूम पड़े ऊपर का गुलाब गायब था, अंदर ऐसी गठान जैसी जामुन जामुन भरी हुई थी। सास बोला कर दी, मम्मी मम्मी लो, मम्मी ने कहा बेटा क्या है ये? मम्मी गुलाब जामुन है। सास ऐसी गुलाब जामुन को देख के कोमा में चली गई, ऐसी इसके ऊपर का काला काला लाल लाल वो काट दिया, अंदर की केवल गुठली थी, बाकी ऊपर का गायब था। और मैं छाती पे खड़ी पल्लू लेके, कैसी लग रही? खाओ तो। अब बिचारी आदि तो कोमा में पड़ी है, कैसे खाओ? इतने में सास ने पूछ लिया, मावा कहां से आया था? इनसे मंगवाया था। अच्छा, मेरा बहुत मन कर रहा था एक बार गुलाब जामुन बना के खिलाऊं तुमको,
सास ने बोला अभी खिलाने मना नहीं है, पर मैं मर जाऊं ना। उसके बाद में पंडित जी को जब भोजन कराने बुलाया 16 श्राद्ध में, तब कभी मत खिलाना। उसने पूछा मम्मी क्यों? मम्मी बोली मैं कहीं पे भी होंगी ना, मैं से बद्दुआ दूंगी, ऐसे गुलाब जामुन खिलाएगा, ऐसे खिलाएगा। अरे भगवान, आज तो विराम का दिवस है, आनंद के साथ आप सब श्रवण करो अपने जीवन की सार्थकता अवस्था। आपको अवस्था आपको यहां वहां भटकाएगी, परंतु शिव कथा कह रही है सबको वसीयत लिखी जाएगी पर अपने लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, इसलिए जो तुम कमा रहे हो कमाने की मना नहीं है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो, मना नहीं है, खूब कमा और जितना कमा सकते हो उतना कमा। पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। सार्थक शिव कथा कहती है जिन्होंने अमृत पिया उनका नाम आज तक नहीं चल रहा, पर जिनने विष पिया उसका नाम आज तक चल रहा। जिनने अमृत पिया उसको कौन याद कर रहा है ये नहीं मालूम, पर जिसने विष पिया उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव। विचार करिएगा जरा, शिव तत्व को जानिएगा जरा, भगवान शंकर का अनुमोदन ध्यान में रखिएगा। विष पीने वाले को आज तक याद किया गया, थोड़ा जिसने जिंदगी में कष्ट उठा लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ा सा दुख उठा लिया। देखो एक पत्थर मार्बल का एक टुकड़ा, मार्बल आपके घर में लगा होगा जमीन पे, मार्बल का एक टुकड़ा जमीन में लगता है और मार्बल के एक टुकड़े की मूर्ति तरह सी जाती है। दोनों में क्या अंतर है? एक मार्बल जमीन में लग रहा है और एक मार्बल की मूर्ति तरह सी जा रही है, क्यों? पत्थर ये भी वही है और वो भी वही है, बस अंतर उतना है कि जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में भगवान बनकर पूजा गया है, जो सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा, वो जमीन पर रखा। जिसने चोट को सहन कर लिया वो पूजा गया, और जिसने चोट सहन नहीं करी, कई बहुओं की आदत रहती है सास ने गाली दी इसने पलट कर जवाब दे दिया, नहीं नहीं बिल्कुल मत देना, सास अगर गाली देना तो पलट कर जवाब बिल्कुल मत देना, बल्कि खुश होना, बड़ी प्रसन्न होना कि मैंने ना जाने कितने कितने पाप करे होंगे, आज मेरी सास ने गाली देकर मेरे पूरे पाप को धो दिया, दे दो। और मेरा बहुओं से भी सासुओं से भी निवेदन है, अगर बहू कुछ कह भी देती है ना तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखते हुए कह रही है ना कहने दो। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि संस्कार क्या झलक रहे हैं, आपको कहकर बताने की जरूरत नहीं, आप शब्द कहने की जरूरत नहीं, कह कह दिया ना, क्या होगा उससे होगा क्या? अच्छा एक बात और अच्छे से समझ लो जरा, छत्तीसगढ़ वालों बहुत आनंद में समझना, कोई आपको गाली दे देगा तो आपका आधा किलो वजन कम हो जाएगा क्या?
जम के बोलो जरा, नहीं नहीं नहीं, जो कपड़े पहने हो वो फट जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अगर गाली देने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से 24 घंटे आपके एक आपकी बुराइयां निकालने से आपका कुछ बुरा हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। जितनी बुराइयां निकाली जाएगी उतने ही आप चमकते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। निकाल, निकालो निकालो। एक कथा आपको पहले सुनाई थी, एक राजा के शरीर में रोग हो गया, शरीर की चमड़ी टपकने लगी, कौड़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गलने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, पर आराम नहीं लगा। आखिरी में डॉक्टर के यहाँ से दिखाते दिखाते जब थक गया, तब वो फिर गया अपने गुरुजी के पास में। गुरुदेव, मेरे शरीर में रोग हो गया है, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरा शरीर गल के नीचे गिर रहा है, मेरा शरीर टपक रहा है, गुरुदेव कुछ कृपा करो। गुरुजी ने कहा, तेरा बड़ा भाई था? हाँ। बड़ी भाभी? हाँ। बड़ा भाई तो मर गया, पर भाभी है। गुरुजी बोले, जहाँ भाभी सोती है उसके कमरे के बाहर चुपचाप से दरी बिछा कर सो जाना, किसी को मत कहना, तू ठीक होना चालू हो जाएगा, किसी को बोलना मत ही, जा सो। वो रोज जाता दरी बिछाता सो जाता, रोज जाता दरी बिछाता सो जाता। एक नौकरानी ने देख लिया, नौकरानी ने दूसरी नौकरानी से कहा, उसने तीसरी से कहा, चौथी से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई। राजा इतना बड़ा खोड़ला है कि अपनी भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिए, ताने देना चालू कर दिए, गालियां देना चालू कर दी, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दिया। धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। गुरुजी के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव मैं ठीक हो गया, मैं ठीक। पर गुरुदेव, सारे डॉक्टरों की दवा काम नहीं आई, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने का बोला और मैं ठीक हो गया, ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को कम करवाने के लिए पूरे नगर में तेरी बुराई करवाई है। जितना लोग तुझे गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, तू उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरुदेव आपकी कृपा, कोई बुराई करे, अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, जितने आड़ा टेढ़ा बोलना बोलने दो, जितना अपशब्द कहना कहने दो, जितनी गाली देना देने दो, जितनी गलतियां निकालना निकालने दो, आप अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ, आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते चले जाओगे। गाली देने वाला, ताना देने वाला, अपशब्द कहने वाला अपने आप नीचे 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 दबता चले जाएगा। कितनी बार बुराई करोगे, कितनी बार अपशब्द कहोगे, कितने बार ताने दोगे? व्यक्ति एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, चौथे बार लोग ही कह देंगे, इनकी तो आदत पड़ी हुई है गाली देने की, अपशब्द कहने की, ताना देने की। आग लगे बस्ती में, जरा अच्छे से बोलो रे धान का कटोरा वाला, आग लगे बस्ती में और अपन रहो क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोई। और जो जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोले उसके सामने उतना जोरदार सुरमा लगा के चलिए, उतने क्यों बोल बोल तो बोल अपने कई दिक्कत। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, मुझे क्या करना, क्या करना उसे? अभी तुम भी रोज रोज कथा सुनने आई होगी, तुम्हें भी देख के लोग कह रहे होंगे अपने आप को कितनी हीरोइन बन रही है, हमसे कह रही है कि इधर बैठ जा उधर बैठ जा, और बेच तांग तांग की इधर उधर घूमती फिर रही है। तो रुक तो जा, अभी कथा हो जाने दे, 5 दिन बाद तू फिर देख जे मार। कुछ नहीं कह, उसने बोल दिया, बैठ गए। शिव महापुराण की कथा 5 दिन की हो गई,
किसी के मन में कोई भेद हो, कोई विवाद हो, कार्यकर्ताओं के मन में एक दूसरे के प्रति कहीं कोई गलत बात आ जाए, तो शंकर जी की कथा जैसी पूरी हो, अक्षतम केशवम जैसी हो, वैसे ही कह देना मैंने 5 दिन की कथा का जो भी पाप कर्म हो, कहीं गलत बोल दिया हो, गलत सोच लिया हो, गलत विचार कर लिया हो, सब छोड़ और फिर वापिस मेरा ध्यान का कटोरा एक हो जाए, ऐसा करता बस और कुछ। विचार में अपनी चित्तवृत्ति में अच्छा लेकर, और जितना अच्छा लेकर आओगे उतना जीवन में अच्छा होगा। विष पीकर भी महादेव नीलकंठ कहला गए, अमृत पीकर भी देवताओं का नाम आज तक नहीं आया। पीछे बैठोगे तो सुख में रहोगे, आगे बैठोगे तो थोड़ा तकलीफ में रहोगे, एक जैसे बैठना पड़ता है। कैमरे वालों का कोई भरोसा नहीं कब लिया, और पीछे वाले तो इतनी मस्ती में बैठते हैं, बैग के अंदर जो रखा रहता है धीरे धीरे। कुतुर कुतुर धीरे धीरे, और इनने देख लिया भजन आया और भजन नहीं आया, और जैसे ही महाराज बोले हार हार, पीछे वालों को मालूम नहीं पड़ता, तो आगे जो बैठे नहीं उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही कैमरा सामने आया वैसे पड़ोसी भी कौन बहुत ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो सामने एकदम जितने बड़े बढ़ते जाओ ना, तो बड़ा तकलीफ में रहना पड़ता है। सब ये पूछना कोई मंत्री वगैरह हो, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर आदि से, बेचारे कितने तकलीफ में रहते हैं। इनका मन भी करे ना किसी से मिलने का तो नहीं मिल सकते, इनका मन करे कुछ खाने का तो खा नहीं सकते, इनका पत्नी भी कहना कि चाउमीन का ठेला, पत्नी से भी कहते हाथ जोड़ चुपचाप नहीं जा सकते, पूछना ही नहीं। हम हमारी के ट्रेन में बाथरूम के लिए भी नहीं जा सकते, वहीं कैमरा लेके खड़े खड़े। हे भगवान, अब बाथरूम का गेट बंद कर रखे एक सेल्फी, तो हम भी कहते बंद तो कर ले, ये पहले बंद हो जाए फिर सेल्फी ले। अब बहुत छोटे रहिए, बहुत छोटे, जो ज्यादा बड़ा होता है उसको बहुत सुनकर चलना पड़ता है। घर में दो बहुएं होती है, एक बड़ी एक छोटी, बड़ी को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, संभाल कर परिवार चलना पड़ता है। छोटी काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, अपने कमरे में जाके सो जाए तो ठीक, सास से कहो कि वो छोटी काम नहीं कर रही तो एक ही बात कहती अभी छोटी है, और बड़ी अगर ऐसा कर दे तो तू तो अक्कल है ना, तेरे में तो तू तो बड़ी है ना, तू तो समझदार है ना। शादी घर में और बड़ी बहू पूरा काम करती फिर रही, और छोटी इतनी मेहंदी मंडवा के चार तकिए पे हाथ रख के यूज, और जब मेहंदी मेहंदी मंडमुंडा गई तैयार होके शादी में आगे गई, सारा घर का फैलारा बड़ी वाली उठा रही, और छोटी जाके सबसे पहले पानी पतासा छपका खुआ के और घूमती फिरती बात करती, अपने पति के साथ फोटो वोटो खिंचवा ली, और एक बिचारी काम में लगी रही। जो ज्यादा संभालने में लगा रहता है उसकी जिंदगी पूरी संभालने में निकल जाती है, इसलिए छोटे बनने में जितने छोटे बनोगे उतना मेहंदी उतना इंजॉय।
नहीं बनना अपन को ज्यादा बड़े, ना ज्यादा विद्वान बनो ना ज्यादा ज्ञानी बनो। मेरे राम जी महाराज भी अपने गुरु जी के दरवाजे पर पढ़ने के लिए गए थे, तब एक शिष्य ने गुरुदेव से कह दिया था, आप कहते हो यह परमात्मा है तो फिर आपके दरवाजे पर पड़ते क्यों हैं? राम जी सामने बैठे हैं और शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हो यह परमात्मा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम निज आयु। आप कह रहे हो कि यह भगवान है तो फिर गुरु के दरवाजे पर पढ़ने क्यों आए? क्या इनमें विद्वत्ता नहीं है? क्या ये विद्वान नहीं है? क्या ये ज्ञानी नहीं है? इतने में गुरु जी ने कहा अपने शिष्य से, ये भगवान है मैं जानता हूं, पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटे बनकर रहना चाहते हैं, और जितने छोटे बनकर रहेंगे उतने जनमानस के दिल पर राज करेंगे। इसलिए राम जी लंका गए तो शबरी के दरवाजे पर जितने वन में लोग रहते थे, जंगल में रहने वाले के एक एक के घर पर एक एक के कुटिया में मेरे राम जी महाराज गए। छोटे बनकर आप सबके द्वार पर जा सकते, बड़े बनकर नहीं। हम सुहेला में कथा करने गए, एक किसी भक्त ने कहा आप हमारे घर आना। हम सुहेला में उनके घर गए तो उनका दरवाजा छोटा सा था, इतना छोटा सा दरवाजे पे दो दिए लगे हुए थे और दरवाजा बहुत छोटा सा। जरा सीखो, आज के दरवाजे बड़े बड़े हो गए, पुराने घर के दरवाजे छोटे होते थे। क्यों? वो पुराने दरवाजे हमको सीख देते थे, कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए, कितने भी करोड़पति की बहू आ जाए, हमारे घर में झुक के चलना सीख जाए, नी झुकेगी तो माथा भड़क के झुकेगी। इसलिए दरवाजा छोटा होता था तो बहुओं को भी नीचे झुक कर चलना पड़ता था। आज के जमाने में दरवाजा हो गया ऊंचा तो बहुएं भी बोलतरी डोकरी सुन रही। दरवाजा ऊंचा है, दरवाजा नीचा होगा तो वो सिखाएगा कि छोटे बनकर जियो, झुक कर जियो, नम्रता में जियो। जितने छोटे बनकर जियोगे उतनी जिंदगी को खुशमय जी सकते, उतने आनंद में जी सकते। शिवजी समय आया, शंकर भगवान की जो आनंदमय लीला थी वो लीला का गुणगान हुआ। शंकर भगवान पर गौ माता के दूध का अभिषेक हुआ जिससे उनका विष की तपन कम हो जाए। शंकर जी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो विष की तपन को समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। शिवजी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो हमारे घर की तपन को भी समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। और एक बात बहुत अच्छे से जीवन में उतारना, शंकर भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 5 लीटर दूध चढ़ाओ या 4 किलो दूध चढ़ाओ या 10 किलो चढ़ाओ। कहीं लिखा पड़ा तुमने? कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताना कि शंकर जी ने कहा कि मुझे 10 किलो चढ़ाओ कि 11 किलो चढ़ाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाना है, तुम्हारे घर में ज्यादा नहीं है, एक कटोरी में भी थोड़ा सा 4 बूंद का दूध भी अगर आपके पास में है और पानी के लोटे में डालकर अगर आपने शिव को चढ़ा दिया है तो शिव उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। शंकर भगवान ये नहीं कहते कि मुझे इतना देना, शिव कहते थोड़े में भी मेरा स्मरण हो सके। शिव जी को ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा दो पर दिल से दो। एक बेलपत्री शंकर भगवान को दो
पर दिल से। और एक बेलपत्री चढ़ाते समय तुम्हारे मन में यह भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि एक बेलपत्री का वृक्ष मैं जरूर लगाऊंगी। इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मैं मरकर भी चली गई तो मेरे भोलेनाथ को मेरे लगाए हुए वृक्ष की बेलपत्र कोई भी चढ़ाता रहा, इसलिए लगा कर एक बेलपत्र शिव जी को दे रहे हो तो वो दिल ज्यादा नहीं चाहिए संकल्प। पहले के जमाने में तो बेलपत्र चढ़ी रहती थी, सब चढ़ा रहता था, पड़ा रहता था, कोई आता था तो उठाता था। आज के जमाने में तो शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र ढूंढना ही मुश्किल पड़ जाता है। जो चढ़ा के जाता है वो दूसरे की उठा के ले जाता है, खा जाता है, क्योंकि औषधि है, औषधि। दिल में शिव को बिठा। समय आया, आगे वर्णन आया कि एक अंधकासुर नाम का बालक जन्मा शिव जी के नेत्र के अश्रु से। और वो जो बालक जन्मा था वो बहुत उत्पाती था, इसलिए उसको समुद्र में डाल दिया गया था। उसका नाम अंधकासुर हो गया। अंधकासुर ने भी ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि मैं वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण चले जाएंगे। पराए धन को और पराई स्त्री को कभी भी गलत दृष्टि से मत देखो। पराए धन को भी अगर तुमने गलत दृष्टि से देखा है कि मुझे ये चुरा लेना है, ये मुझे ले लेना है, वो बर्बाद कर देगा। और पराई स्त्री को भी गलत दृष्टि से मत देखो, उसके स्वरूप को गलत मत मानो। प्रत्येक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली जितनी माताएं हैं उन सब नारी शक्ति में कहीं ना कहीं में माता पार्वती का स्वरूप है, ये जानकर नमन करते हैं। जानकर का एक स्वरूप हमारे लिए। महाराज अंधकासुर ने अपने दूतों से पूछ लिया कि मेरे को विवाह करना है, सबसे सुंदर नारी कौन है उससे मैं शादी करूंगा। सबसे सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर नारी, सबसे सुंदर कन्या। इतने में अंधकासुर के पार्षदों ने कह दिया, दूतों ने कह दिया, जो बहुत सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए। तो क्या हुआ, शिव तो बूढ़े हैं, उनके जन्म का कौन को मालूम कि कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु होगी। राम जी महाराज प्रकट हुए, उनके शरीर छूटा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनका शरीर छूटा। जितने देवताओं का चरित्र निकाल कर देखना है, निकाल लीजिए। जो जन्म लिया वो मरा, उसके प्राण गए। चाहे आप रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव, प्रहलाद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव जी, रविदास जी, मीराबाई, कर्माबाई, तुकाराम, जितने जन्म हैं उनके जाने का भी चरित्र है। पर कहीं ये चरित्र कहीं लिखा हो तो मुझे जरूर भेजना कि शंकर भगवान का जन्म हुआ था और शंकर भगवान प्राण भी छोड़े थे या मरे थे या प्राण छूट गए होंगे। वो ना तो जन्मा है और ना वो मरा है, वो तो स्वयं प्रकट है। इसलिए उसका नाम देव अधि देव महादेव शंभू है। उसको लोग शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं भू। शंभू का मतलब क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। स्वयं भू, उसको लोग शंभू कहते। स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुआ, ना जन्म लेता है ना वो मरता है।
इसलिए अमरनाथ की गुफा में बैठकर भी अमर कथा सुना देता है। दुनिया में केवल एक है जो मरने वाले को भी गुरु मंत्र देकर तारक मंत्र देकर उसको भी तार देता है, वो केवल देवाधिदेव महादेव, क्योंकि मरे ही नहीं, प्राण छूटे ही नहीं, अजर अमर है, वो जाता ही नहीं। छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छत्तीसगढ़ की भूमि पर सुन रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं। आपके भीतर का विश्वास इतना जाग चुका है, आपके भीतर का बल विश्वास इतना है कि आप जानते हो किसी को भटकाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के जमाने में किसी और वाला महाराज तुमको भटका देगा या संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें भटका देगा। सब पढ़े लिखे हो, सब दो रोटी खा रहे हो, सब आनंद की जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा अच्छा और पूरा किस चीज में है। इसलिए निवेदन है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना कोई प्रपंच नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता, दिखावा नहीं होता, यह हृदय का विश्वास है कि शिव को प्रकट कर, आपका विश्वास। कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में जाने का बहुत, आप गुरु जी बोलते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ, कभी नहीं बोलते कि शिव हो रहा, क्या करेंगे, अभी इतने सारे आ गए, सब हिल गए, तुम सी और आते हो तो वहां भी हिल जाते हैं, कहा करो यार। आप कहते हो शिव मंदिर जाओ, क्यों कहते हो? हमारा एक निवेदन, हमने अपनी जिंदगी में बचपन में देखा, आपने भी बचपन में देखा होगा, जितनों ने बचपन में देखा है इस कथा को सुनकर हाथ जरूर उठाना। एक चुंबक को दूसरे लोहे के साथ चिपका के रख दो, दो चार दिन, आठ दिन, पंद्रह दिन, फिर चुंबक हटा दो, जो लोहे का कण है ना उसको फिर फेर के देखना, वो भी दूसरे को खींचना चालू कर देता। किस किस ने देखा, जरा हाथ उठा, देखा सबने, ये चुंबक का गुण है, रखो, ये हमने बचपन में देखा, जो बचपन में देखा वो हमने इस व्यासपीठ से कहा। एक चुंबक दूसरे लोहे को चिपका लेती है, 15-20 दिन तक चिपका के रखने के बाद चुंबक को हटा दो, चुंबक का गुण उस लोहे में आ जाता है, फिर वो लोहा दूसरी चीज को खींचना चालू कर देता है। उसी तरह आप शिव रूपी चुंबक के पास जाकर चिपको तो आप स्वयं दूसरे को भी आप शिव की शरण में ला सकते हो। ये बस है, आप भक्ति ही आपके पास, भजन ही आपके पास। महाराज अंधकासुर के प्राण हरने के लिए माता पार्वती जी को जो गलत दृष्टि से देखा, पार्वती जी ने प्राण हर लिए। शिव जी ने काल भैरव के रूप में अवतरित होकर काल भैरव बनकर इस अंधकासुर के प्राणों को हरा। आगे जो चरित्र आया है भगवान शंकर की पावन कथा कर तत्व ग्रहण करते हुए वर्णन किया गया कि जीव की जो अनंतता आनंदता है वही शिव। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहते हुए वर्णन किया गया सोमनाथ जी का, कहा कि चंद्रदेव को काया का जब रोग हो गया था, बहुत भटक रहा था, तब उस जगह पर भगवान शिव से प्रार्थना करी गई और सोमेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी ने आकर काया ठीक करी, शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, तो जब रुष्ट होकर जाते हैं तो शिव जी माता पार्वती जी के साथ में उनको मनाने के लिए जाते हैं। मनाने के लिए गए भगवान श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट। भगवान के प्रागट्य का कारण दूषण नाम के राक्षस का संहार, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए हैं। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को यहां विराजमान किया। फिर वर्णन आया
केदारनाथ जीता, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को यहाँ विराजमान किया, भीमा शंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी के पुत्र भीम, और भीम ने अपने पिता और ताऊ के वध का बदला लेने के लिए मंदिर देवालय तुड़वा कर स्वयं का स्थापना करवाई। तब शिव जी ने भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को यहां पर विराजमान किया। काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। फिर अगला वर्णन आया है, त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई पूर्व का भी दोष लगा होता है, किसी कारणवश कोई दोष पूर्व का भी लगा होता है तो वह भी दोष समाप्त हो जाता है। भगवान पर से त्र्यंबकेश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं प्रकट होकर गौतम बाबा पे से गौ हत्या के दोष को मिटा जाता। गौ हत्या के दोष को वो समाप्त कर देते। महाराज देखिए संसार के लोगों ने कितना कितना विचित्र कर्म करा। गौतम बाबा आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, गौतम बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, गौतम ऋषि भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं, गौतम ऋषि भगवत नाम में डूबे हुए हैं, गौतम ऋषि भगवत भजन में कीर्तन में मंत्र जाप में आनंद में डूबे हुए हैं, और जितने भी वहां लोग रहते थे उन्होंने गौतम ऋषि से थोड़ी सी ईर्ष्या उत्पन्न कर ली। ईर्ष्या उत्पन्न करी तो उन्होंने सोचा करें क्या, इसको तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भजन में डूबा रहता है, इसका नाम कैसे खराब करें, इसको कैसे हम नीचे गिराएं। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, गणेश जी को गाय बनाते हैं और गाय बनाकर गणेश जी को कह देते हैं कि तू गौतम ऋषि के आश्रम में अपना प्राण त्याग दे। गणेश जी को निवेदन करा, गणेश जी आप गौतम ऋषि के आश्रम में जाके प्राणों को त्याग दो। गणेश जी ने कहा अगर मैं गौतम ऋषि के आश्रम में मरूंगा, गौतम ऋषि के आश्रम में मेरे प्राण छूटेंगे तो गौतम बाबा पे तो गौ हत्या लग जाएगी, गौतम ऋषि पर तो गौ हत्या का दोष लग जाएगा। कई लोग बहुत संसार सागर में ऐसे पड़े हुए हैं जो आप लोगों के पीछे भी पड़े रहेंगे। तुम अच्छा करने के लिए आगे बढ़ोगे, थोड़े दिन आगे बढ़ने के बाद लोग तुम्हारा पांव खींचकर पीछे करने का प्रयास करते हैं। गौतम ऋषि के पीछे भी पड़ गए पर गौतम ऋषि ने अपना भजन नहीं छोड़ा, गौतम ऋषि ने भजन करते रहे। गौतम ऋषि बाबा पर भी गौ हत्या का दोष लगा दिया, वो भी कहकर जाओ गणेश जी महाराज गाय का रूप रखकर जाओ और गौतम ऋषि के घर में जाकर उनकी कुटिया में जाकर प्राणों को त्याग दे। उंगली उठाने वाले अपशब्द कहने वाले, जब ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जब ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है, जलन इतनी बढ़ जाती है, ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गौतम ऋषि के द्वार पर गणेश जी को भेजा गया गाय बनाकर। गणेश जी ने समझाया, गणेश जी ने कहा तुम सब भी तो साधक हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किसी पर दोष लगवा रहे हो। गणेश जी आपका काम है दोष लगाना, आप तो जाओ बस, हमने कह दिया वो करना पड़ेगा। गणेश जी गए, गाय बनकर अपने प्राणों को त्यागा, और गाय बनकर जब प्राणों को त्यागा, गाय बनकर जब प्राण छोड़े, सारे जितने भी उस आश्रम में लोग रह रहे थे उन्होंने कह दिया गौतम बाबा पर गाय हत्या का दोष है, इनको यहाँ से निकाला जाता है। धक्के मार कर निकाल दिया। निकालने के बाद गौतम ऋषि यहाँ वहाँ भटकते हुए रहे, पर उनकी धर्म पत्नी अहिल्या ने भी कह दिया आप पर जो दोष लगा है उसको मैं समाप्त कर कर रखूंगी। धर्म पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली धर्म पत्नी आज गौतम ऋषि बाबा को
गौ हत्या के दोष से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। आपसे भी निवेदन है, धर्म पत्नी का पद कोई साधारण नहीं होता, आपकी मांग का सिंदूर वो बल रखता है कि कहीं से भी विजय प्राप्त कर कर आ सके। आपकी मांग का सिंदूर वो बल रखता है कि आप कहीं से भी विजय प्राप्त कर कर आ सके, उसमें वो बल है। वो बल उस गौतम बाबा की पत्नी से गौतम ऋषि जी ने कहा कि तू अहिल्या क्या कर लेगी, दुनिया के लोगों के सामने मेरे कुटिया में मेरे घर में गाय मरी पड़ी है, लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने मैंने मार दी होगी, दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि मैंने मारा होगा। अरे भाई, एक संत गौतम ऋषि को, एक ऋषि वर को भी लोगों ने उंगली उठाने के पीछे, एक ऋषि पर भी लोगों ने उंगली उठा दी और जान करके उनके आश्रम में गाय को मार कर पटक दिया। ये संसार के लोगों की चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि दुनिया किसी को नीचे गिराने के लिए कितना कितना प्रयास कर सकती है। इसलिए निवेदन है, सावधानी से अपनी जिंदगी जियो। ये संसार कोयले की खान है, इसमें से धीरे से निकल जाना बड़ा कठिन है, बहुत सावधानी से भजन के बल पर निकला जा सकता है, स्मरण के बल पर निकला जा सकता है। भजन श्री शिवाय, भजन के बल से निकल सकता। गौतम बाबा अपनी धर्म पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मुश्किल है कि मैं इस दोष से मुक्त हूं। समझाया, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया, स्मरण किया। माता अहिल्या ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करा, स्मरण करा, उनके पूजन में तल्लीन हो गई, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना ही पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना पड़ा और तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। अंगुष्ट की आकृति के बराबर उनका शिवलिंग का स्वरूप था तीनों का। तीनों ने प्रकट होकर आकाशवाणी के द्वारा कहा, अरे गौतम ऋषि पर जो गौ हत्या का दोष लगा है ये झूठा है। किसी को नीचा दिखाने के लिए लोग इतने नीचे गिर जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा ये बड़ी विचित्र बात, और ध्यान लीजिएगा थोड़ा सा। गाली देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको गाली देना। अपशब्द कहने से पहले विचार करना कि किसको अपशब्द कर रहे। ताना देने से पहले विचार करना कि ताना किसको दे रहे हो, किसको दिया जा रहा है, वो विचार करिए। गौतम बाबा के लिए गौ हत्या से दोष से मुक्त करने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर में अवतरित हुए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ, रावण को लघु शंका लगने पर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट। आज भी नियम है, स्वप्न में अगर सर्प दिखता है, किसी भी रूप में अगर सांप नजर आता है, तो फिर पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर नागेश्वर भगवान का नाम लेकर सर्प बनाकर जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, ये 5 कन्याओं का नाम लेकर बहते पानी में डाला जाता महाराज। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम, राम जी महाराज ने भगवान शिव की स्थापना कर पूजन करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है फिर कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां थी, सुदेहा और भूषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, भूषमा के गर्भ से संतान हुई, तो वो सुदेहा को दी गई और सुदेहा ने